फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ कब, 1789 में ही। तो इससे क्या हुआ, इन लोगों ने मतलब वहां के जो कॉमन लोग हैं उन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, मतलब विरोध चालू किया राजा महाराजा के विरुद्ध कि चाचा हम लोग को डेमोक्रेसी चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को? डेमोक्रेसी, मतलब हम लोग आजाद होना चाहते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम कुछ चेंजेस आए, मेजर चेंजेस आए, वो चेंजेस हम देखते हैं, यहां से ध्यान देना है। नंबर वन पॉइंट क्या हुआ कि पावर का ट्रांसफर हुआ कहां से, मोनार्की मतलब राजा महाराजा से कहां पे ट्रांसफर हुआ, कॉमन पीपल में, कॉमन लोगों में। ठीक है, सेकंड इन लोगों ने क्या किया कि नया एक फ्लैग लाया, मतलब एक नया इन लोग झंडा गाड़ दिया जो कि ट्राई कलर का था। कितने कलर का? ट्राई कलर का। थर्ड इन लोगों ने क्या किया, फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया, फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया। नंबर फोर्थ इन लोगों ने क्या किया कि नेशनल एंथम कंपोज किया और शपथ लिया अपने कंट्री के लिए, शपथ लिया अपने कंट्री के लिए। नंबर फिफ्थ इन लोगों ने क्या किया कि सोसाइटी फ्रांस में उस समय में तीन हिस्सों में बटा हुआ था। कितने हिस्सों में? तीन हिस्सों में। तो जो कॉमन पीपल है ना, जो कॉमन पीपल है उन लोगों ने अपने स्टेट से स्टेट जनरल को इलेक्ट किया और स्टेट का नाम नेशनल असेंबली रख दिया। ठीक है भैया। नंबर सिक्स क्या किया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को हटा दिया, मतलब जो सामान का इधर उधर ले जाने में जो हमें टैक्स देने पड़ते थे ना, उसको खत्म कर दिया गया। और नंबर सेवन क्या किया कि भैया फ्रेंच आर्मीज ने सोचा कि अगर हम डेमोक्रेसी हम लोग को मिल गया है तो ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है, नेशनलिज्म मतलब अपने देश के प्रति प्यार, अपने कल्चर के प्रति प्यार, ये वाला जो आइडिया हमारे पास आया है ना, ये हम खुद नहीं रखेंगे फ्रांस में, पूरा यूरोप में ढिंडोरा पिटेंगे। तो ये लोग स्टार्ट कर दिया पूरा यूरोप में ढिंडोरा पिटना। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, फ्रांस के लोग बहुत ही खुश थे कि इधर से एक गन लोड हुआ और वहां पे डेमोक्रेसी का बोर्ड था, उस पे निशाना लगाया और उड़ा दिया, डेमोक्रेसी चर्चा खत्म हो गया। तो इधर से बैकग्राउंड म्यूजिक आया, टिंग 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 टिंग। एंट्री किसके हुआ? एंट्री हुआ नेपोलियन का। नेपोलियन बोला कि बेटा लोग बहुत बहुत मजे कर लिए तुम लोग डेमोक्रेसी के मतलब नाम से, बहुत मजे कर लिए, अब मेरा राज चालू हो रहा है। कब से? 1799 से नेपोलियन का राज चालू हो गया। कब तक चला? 1815 तक। फिर से कब तक चला? 1815 तक। तो फिर नेपोलियन चाचा ने क्या किया, नेपोलियन ने क्योंकि 1799 से 1815 तक राज किया है तो उसने बीच में एक कोड लाया जिसका नाम था सिविल कोड ऑफ 1804। क्या नाम था? सिविल कोड ऑफ 1804। अब इसमें कोई बड़ा बात है नहीं कि सिविल कोड ऑफ 1804 को नेपोलियन कोड ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि नेपोलियन चाचा ने लाया था तो नेपोलियन कोड ही बोलेंगे उसको। ठीक है, अब फिर से ध्यान देना है, मतलब अलर्ट लेवल ऊपर हो जाना चाहिए, ध्यान देना है। सिविल कोड ऑफ 1804 में क्या क्या था, इसके आने से क्या क्या हुआ? नंबर एक, कानून के नजर में सब बराबर हो गए भैया लोग, कोई सलमान खान नहीं है यहाँ पे, सब बराबर। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया सबको। सेकंड पॉइंट, राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया, मतलब भैया मतलब माय प्रॉपर्टी इज माय प्रॉपर्टी, नन ऑफ योर, आगे कुछ और वर्ड है, समझ गए, मतलब आपसे आपका प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता, आपके पास राइट आ गया अपने प्रॉपर्टी के लिए। सिर्फ गवर्नमेंट ही आपको हटा सकती है, वो भी जैसे कि कुछ होता है ना, गवर्नमेंट का कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है जैसे रेलवेज का, वो सब में, तो सिर्फ गवर्नमेंट ही आपको हटा सकती है और कोई नहीं हटा सकता। नंबर थर्ड, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। उस टाइम पे सोसाइटी जो है वो पावर के हिसाब से डिवाइडेड था, अपर सेक्शन लोअर सेक्शन ऐसा टाइप का, और लोअर सेक्शन जो है ना वो है ना अपर सेक्शन के अंडर काम करते थे, उन लोगों ने मतलब लोअर सेक्शन अपर सेक्शन के लिए काम करते थे और उनके अंडर में काम करना होता था। नंबर फोर्थ क्या किया, नंबर फोर सिविल कोड ने क्या किया कि पीजेंट्स मतलब किसान भाई को सेल्फडॉम मतलब फ्यूडल लेबर ये सब से फ्री कर दिया, बोला चाचा लोग अब तुम लोग जो है सो फ्यूडल लेबर नहीं करेगा। फ्यूडल लेबर मतलब जो ये जो अपर सेक्शन लोअर सेक्शन में जो थे ना, लोअर सेक्शन में जो किसान जो है जो अपर सेक्शन के लिए काम करना पड़ता था जबरदस्ती का, वो अब खत्म कर दिया गया, अब ये लोग फ्री हो गए, आजाद हो गए किसान लोग, ये लोग मस्त पार्टी वार्टी जाके कर रहे हैं। नंबर फाइव क्या किया नेपोलियन ने, मतलब सिविल कोड ऑफ 1804 में गिल्ट रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। इससे फायदा क्या हुआ, मर्चेंट आर्टिशंस अब सब फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, फ्रीली ट्रेड आराम से ट्रेड कर सकते हैं।
और सिविल कोड ऑफ 1804 में 6 पॉइंट ये है कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया, बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया। तो ये जो सिविल कोड ऑफ 1804 था ना, इसके लिए नेपोलियन को ना सब हीरो मानते हैं कि भैया नेपोलियन चचा था, एक नंबर आदमी था, सब बहुत ही उसको दुआ देते थे कि भैया नेपोलियन बहुत मस्त आदमी, बहुत मस्त आदमी। लेकिन नेपोलियन रूल का कुछ ड्रॉबैक भी था, देखते हैं। नंबर एक ड्रॉबैक, इसने ना भैया टैक्स बहुत बढ़ा दिया, बोला कि चचा लोग ऐसा है कि हमारे पास पैसे की कमी है तो टैक्स बढ़ा दो, सबसे ज्यादा टैक्स लेने लगो। लोग परेशान हो गए थे भैया कि ज्यादा ज्यादा टैक्स देना हो रहा है। सेकंड इसने क्या किया, सेंसरशिप ले आया। क्या किया, सेंसरशिप ले आया। सेंसरशिप मतलब नेपोलियन के विरुद्ध कोई भी बेटा अगर उसके अगेंस्ट लिखा, तो फिर उड़ा दिया जाएगा, ऐसे गनलोड हुआ ऐसे चलेगा। इसलिए क्या हुआ कि कोई भी न्यूज़पेपर में, बुक्स में, ये सब में नेपोलियन के विरुद्ध कोई नहीं लिखता है अब, कोई नहीं, सेंसरशिप आ गया है। तीसरा पार्ट जो इसकी बहुत बड़ी गलती थी, इसने क्या किया, लोगों को जबरदस्ती, वो घर पे बेचारा सो रहा है, उसको गया और उठा के लाया और आर्मी में ज्वाइन करा दिया। बोला कि भैया आर्मी ज्वाइन करो जबरदस्ती का। क्यों भैया, पागल है क्या वो? हाँ, उसका सपना था पूरा यूरोप को कब्जा करना है, उसको। तो क्या था कि ये था तीन ड्रॉबैक्स जो कि नेपोलियन का था, और अपना चैप्टर यहाँ पे, ये जो पहला टॉपिक है यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम अभी थोड़ा क्या करेंगे कि डेट्स का रिवीजन करेंगे कि हम लोग स्टार्ट कैसे किए थे। स्टार्ट हमने किया था 1789 से, जहां फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, मतलब स्टार्ट हुआ था। तो सब बहुत ही मजे कर रहे थे, फ्रांस डेमोक्रेटिक हो गया था, सब बहुत ही मस्ती में कर जी रहे थे कि नेपोलियन का उधर से देखे कि हम लोग बंदूक का आवाज आया, उसने डेमोक्रेसी को उड़ा दिया। तो नेपोलियन का एंट्री कब हुआ, 1799 में, 1799 में। कब तक राज किया उसने, 1815 तक राज किया, ठीक है। तो इसके बीच में नेपोलियन ने क्या किया, 1804 में सिविल कोड ऑफ 1804 लाया, जिसको प्यार से नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए,